गाड़ी स्टार्ट कर। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, हमारा जो पिंक डायमंड का इवेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, जिसके अंदर दोस्तों हमें काफी ओपी ओपी जो रिवार्ड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे सर्वर के ऊपर जो पिंक डायमंड का इवेंट है वो हमें देखने को मिल चुका है। तो हमारे इंडिया सर्वर के ऊपर कब तक ये इवेंट आने वाला है, किस तरह के दोस्तों आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे, कैसे आप जो है पिंक डायमंड क्लेम कर पाओगे, तो डिटेल में दोस्तों बात करेंगे वीडियो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आने वाले कुछ ऐसे इवेंट के बारे में जो कि आपको हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा जो अपडेट है वो गेम के ऊपर आ चुका है, तो अपडेट के बाद दोस्तों बहुत सारे जो न्यू आइटम है वो हमारे गेम के ऊपर आने वाले हैं। तो काफ़ी जो लेजेंडरी आइटम है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में दोस्तों वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो M7 की स्किन है उनके रिटर्न के इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं M7 रिटर्न के इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों इवेंट का नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट M7 इज बैक। तो कुछ इस तरह का दोस्तों यहाँ पे लक रॉयल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो रमदान वाली M7 की स्किन है उसको यहाँ पे डाला गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओपी स्किन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो M7 गोल्डन ग्लेयर की स्किन है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो ये वाली जो स्किन है इसके अंदर आपको डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिल जाता है, तो ये वाली स्किन भी जो है काफ़ी ज़्यादा ओपी स्किन रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हैंड ऑफ होप, तो हैंड ऑफ होप के अंदर आपको डबल रिलोड स्पीड देखने को मिलती है, तो ये वाली जो स्किन है ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपी यहाँ पे हमारे गेम के ऊपर रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो ओल्ड है यहाँ पे लेजेंडरी स्किन है उनको यहाँ पे रिटर्न के ऊपर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। एक लक रॉयल इवेंट यहाँ पे डाला गया है जिसके अंदर दोस्तों बेसिकली आपने स्पिन वगैरह करनी है, तो यहाँ पे आपको टोकन देखने को नहीं मिलते हैं, आपको स्पिन करनी है, आपको जो डायरेक्ट यहाँ पे ग्रैंड प्राइज है वो देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का दोस्तों यहाँ पे लक रॉयल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सर्वर के ऊपर हमारा जो न्यू टोकन टावर है वो भी निकल के आया हुआ है, जिसके अंदर हमारी जो इनक्यूबेटर की टॉप वाली स्किन है या दोस्तों इंडेंसियम बस्टर वाली जो स्किन है उसको यहाँ पे हमारे टोकन टावर इवेंट में दिया गया है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा इवेंट है क्योंकि 5 टोकन के बल्ले में हमारी यहाँ पे M7 की स्किन मिल रही है, तो ये टोकन टावर इवेंट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी जो इनक्यूबेटर की स्किन है वो आपको रेटअप इवेंट में एक बार देखने को मिल चुकी है। तो दोबारा भी दोस्तों या तो आपको रेटअप इवेंट के ऊपर देखने को मिल जाएगी या फिर आपको जो है डायरेक्ट लक रॉयल के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको हमारी जो हैंड ऑफ होप वाली स्किन है या फिर जो ओल्ड स्किन है वो एक साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह का दोस्तों इवेंट आपको आने वाले दिनों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो टोकन टावर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो लक रॉयल का इवेंट है उसके आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट करो, लक रॉयल का इवेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों बात करते हैं आए हुए एक न्यू इवेंट के बारे में जिसका नाम है दोस्तों लूनर न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो चाइनीज न्यू ईयर का इवेंट होता है उसका गेम हमारे इवेंट गेम के ऊपर देखने को मिलता है चाइनीज न्यू ईयर, जिसको हम लोग लूनर न्यू ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का कैलेंडर निकल के आए हुए हैं, हल्के फुल्के यहाँ पे रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे सर्वर के ऊपर भी यहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे बेसिकली एक ग्लू वॉल की स्किन को फ्री में दिया जा रहा है। इसके अलावा एक साइथ की स्किन यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो लूनर न्यू ईयर का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों इंडिया के ऊपर इस तरह का जो इवेंट है वो बहुत ही कम आते हैं, मतलब आने के चांस बहुत ही कम है। सिर्फ एक बार आया हुआ था आज से 4 साल पहले या फिर 3 साल पहले, जिस टाइम पे हमारी लूनर MP40 की जो स्किन थी वो हमारे गेम के ऊपर आई थी। उसके बाद दोस्तों आज तक हमें इंडिया सर्वर के ऊपर जो है लूनर न्यू ईयर का इवेंट देखने को नहीं मिला। तो इसके बदले दोस्तों आपको कोई दूसरा इवेंट देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको फ्री रिवार्ड देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक बैकपैक भी दिया जा रहा है, काफ़ी ओपी सा जो बैकपैक है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो लूनर वाला इवेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लूनर एक लोकल इवेंट है। तो इंडिया में जो लोकल इवेंट है वो मार्च में आने वाला है, होली इवेंट। जी हाँ दोस्तों, मार्च में इंडिया के ऊपर एक लोकल इवेंट आएगा जो कि अपना होली इवेंट रहेगा। उसके अंदर दोस्तों आपको ढेर सारे जो फ्री रिवार्ड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में दोस्तों कभी वीडियो के अलग वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह का इवेंट यहाँ पे दिया गया। बात को दोस्तों यहाँ पे लेजेंडरी साइथ की स्किन के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर कुछ साइथ की स्किन आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो पिंक वाली साइथ की स्किन है काफ़ी ओपी है। देन दोस्तों आपको एक और साइथ की स्किन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, ये रेड वाली, और इसका जो डिज़ाइन है या फिर इसका जो लुक है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरावना बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक नॉर्मल साइथ की स्किन देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर तो कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि ये वाली जो नॉर्मल वाली स्किन आपको फ्री में मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों वैलेंटाइन कटाना की स्किन आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह की जो वैलेंटाइन कटाना की स्किन है यहाँ पे दी गई है, इसके अंदर आपको हॉट वाले जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों एक चाकू की स्किन, तो ये जो आदिवासी वाला चाकू है जिसको आदिवासी लोग चलाते हैं, तो इस तरह का जो चाकू है ये भी यहाँ पे दिया गया है। देन दोस्तों आपको एक लेजेंडरी साइथ की स्किन और यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ओपी फैक्टर यहाँ पे डाला गया है। तो इस अपडेट के अंदर दोस्तों 3 नई जो साइथ की स्किन है वो आपको देखने को मिलेगी। देन दोस्तों एक न्यू प्रांग की स्किन भी यहाँ पे आने वाली है, तो ये भी एक लेजेंडरी प्रांग है, तो प्रांग की स्किन आपको शायद फ्री में मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों एक पेन की स्किन आपको देखने को मिल रही होगी, तो पेन की स्किन भी आपको फ्री में मिलेगी क्योंकि आपको पता ही है कि इस तरह के जो रिवार्ड्स हैं वो ज़्यादातर फ्री में यहाँ पे दिए जाते हैं।
जाते हैं, देन दोस्तों फिर से आपको एक यहाँ पे साइथ की स्किन देखने को मिल जाएगी। तो ये वाली जो साइथ की स्किन है, ये आपको मॉनसून वाला जो यहाँ पे स्पेशल डाला गया है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। देन दोस्तों एक लेजेंडरी बैट की स्किन आप लोग को देखने को मिल रही होगी, तो ये जो बैट वाली स्किन है ये भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है, ये आपको लाइट पास के ऊपर देखने को मिलेगी। देन दोस्तों फिर से एक यहाँ पे साइथ की स्किन, तो मतलब भाई क्या ही बोलें, इस अपडेट के अंदर 5 या फिर 6 साइथ की स्किन डाली गई हैं। फिर आपको एक बैट की स्किन देखने को मिल जाती है इमोजी वाला, तो ये बैट का स्किन भी थोड़ा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना रखा है। इसके अलावा दोस्तों एक परांग की स्किन, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक परांग है भाई, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप, लिटरली काफ़ी ज़्यादा ओपी है, काफ़ी ज़्यादा ड्राउन है। तो ये अपने दोस्तों मेली वेपन की स्किन है। अभी बात करते हैं आने वाली कार स्किन के बारे में। तो स्टार्टिंग के जो 3 या फिर 4 कार की स्किन है उनकी गेम के ऊपर हमारी फाइल ऐड नहीं हुई है, तो ये वाली एक कार की स्किन आपको देखने को मिलेगी जिसकी फाइल ऐड हो रखी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओपी इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, और इसका जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओपी बना रखा है। कुछ सर्वर के ऊपर दोस्तों इसको टॉप इवेंट में दिया गया है। देन दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी एक बाइक की स्किन है जो कि बेसिकली आपको एलाइट पास के ऊपर देखने को मिलेगी, तो ये शायद से मार्च एलाइट पास के अंदर ये वाली जो बाइक की स्किन है आने वाली है। देन दोस्तों जो स्पोर्ट्स कार की स्किन आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो स्पोर्ट्स कार की स्किन है ये आपको जो है फरवरी लाइट पास, जी हाँ दोस्तों फरवरी लाइट पास के अंदर आने वाली है। देन एक मोस्टर ट्रक की स्किन आपको देखने को मिलेगी, तो ये मोस्टर ट्रक की स्किन भी मतलब काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल सी स्किन है भाई, कोई इफेक्ट वगैरह नहीं है। अब एक लेजेंडरी स्किन आपको देखने को मिलेगी, यह है दोस्तों अपनी एक न्यू बाइक की स्किन, जी हाँ दोस्तों डेविल मे क्राई 5 का जो कॉलरेशन है उसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आप इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह भी देख रहे होंगे। तो ये रहे दोस्तों कुछ अपने अपकमिंग मेली वेपन की स्किन और बाइक की स्किन, जो कि दोस्तों आपको अलग अलग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी, कुछ आपको यहाँ पे एलाइट पास के ऊपर, बुया पास के ऊपर, और कुछ आपको यहाँ पे डायमंड देके खरीदनी पड़ेगी। तो अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे पिंक डायमंड के इवेंट के बारे में। मगर क्यों भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपडेट के बाद आपको पिंक डायमंड का इवेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कुछ सर्वर के ऊपर जो इवेंट है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने कुछ मिशन वगैरह कंप्लीट करने हैं, उसके बाद दोस्तों आपको पिंक डायमंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आती है स्टोर की बारी, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एक न्यू स्टोर आ चुका है जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको जो सेंटा वाला बंडल है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो ये अपना जो है पिंक डायमंड का नया स्टोर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक फीमेल बंडल इसके अंदर डाला गया है, तो ये वाला जो फीमेल बंडल है भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। देन दोस्तों एक पोलर बियर का जो बंडल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ गन स्किन वगैरह, कुछ गन क्रेट्स वगैरह भी इसके अंदर डाले गए हैं, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अपना जो पिंक डायमंड का इवेंट है वो अलग अलग सर्वर के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, हर सर्वर के ऊपर दोस्तों अलग अलग डेट के ऊपर ये आ रहा है। तो अभी इसको यूरोप सर्वर के ऊपर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे रिवार्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो गन स्किन हो गया, चाहे हमारा यहाँ पे कुछ क्रेट वगैरह हो गया। तो ये तो अपना जो है नॉर्मल रिवार्ड है। अभी एक नया स्टोर और आने वाला है जो कि आपको 21 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, और उसके अंदर और भी ज़्यादा खतरनाक जो है रिवार्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये अपना दोस्तों यहाँ पे पिंक डायमंड का इवेंट रहने वाला है। कुछ सर्वर के ऊपर दोस्तों लेजेंडरी आइटम भी डाला गया है, एक वीडियो निकल के आई हुई है, एक वीडियो मेरे पास आई है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि अपना जो यहाँ पे वाइट 444 वाला बंडल है, कुछ अपने यहाँ पे लेजेंडरी इमोट वगैरह हो गए, और कुछ यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे रिवार्ड्स डाले गए हैं, जो कि लिटरली जो है काफ़ी ज़्यादा ओपी रिवार्ड्स है। आप दोस्तों आपको बता दूँ कि देखो, आपको पता ही है कि जब पिंक डायमंड का इवेंट आता है तो हर सर्वर के ऊपर रिवार्ड्स अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर में जो है बनी बंडल मिल रहा है तो आपको इंडिया में भी मिल जाएगा, इंडिया में जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको बताइए कि हर सर्वर के ऊपर जो रिवार्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इंडिया में तो थोड़े टट्टी रिवार्ड आते ही, आपको बताइए, क्योंकि बाहर सर्वर के ऊपर रिवार्ड्स काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। तो आपको इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलेगा पिंक डायमंड का इवेंट, बट दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए इसकी जो डेट है वो कन्फर्म नहीं हुई है, मतलब लीक्स निकल के आ रही है कि आपको इस मंथ के लास्ट तक अपना जो पिंक डायमंड का इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल कौन सी डेट के ऊपर देखने को मिलेगा वो अभी पता नहीं चला है। तो जैसे दोस्तों कन्फर्म डेट आ जाएगी तो मैं आपको दोबारा तो बता दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। बाकी आने का जो है बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा लीक्स वगैरह निकल के आ रही है कि इस मंथ के लास्ट तक आपको पिंक डायमंड का इवेंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग को इस तरह का स्टोर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बात करें हमारे इसके डेट के बारे में, तो डेट तो इसकी वही हमारा जनवरी के लास्ट वीक में रहने वाली है। तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर इतना ही, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से जरूर कर दो।